Carry on. बुआ अब देख बहुत हो गया मैं बता रहा हूँ तेरे को बहुत हो गया अब देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ तू देख अब तू देख तू बस देखता जा तू बस बहुत हो गया मैं बोल रहा हूँ तेरे को बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया ये और चाहिए बस मैडम बहुत हो गया वेल ब्रो व्हाट इज द मैटर इज द देखिए हमें FIR लिखवानी है बहुत हो गया हाँ तो भाई किसके खिलाफ FIR लिखवानी है ये भी बताएंगे हुआ क्या यार किसी ने तुम्हें सूद दिया या किसी ने तुम्हारे स्कूटर की हवा निकाल दी हाँ भाई बताओ तो सही पड़ोस ने फिल्म देखने जाने से मना तो नहीं कर दिया कहीं हाँ तू पड़ोसन एक्सपर्ट हैं तू इसकी पड़ोसन ने ले जा फिल्म दिखाने वो वाली दिखा ला वो लगी है ना एकदम थारे मतलब की हम आपके हैं दादाजी कैरी ऑन चलो चलो यार जरा बताओ कि मुआमलात क्या है क्या क्या है मुआमलात ओ जावेद साहब जरा खुल के बताइए मेरा मतलब है कि देखो मैटर जो भी है ना उसे जरा आसमान फाड़ के बादलों को चीर के खुल के हमारे मैडम के सामने बोल दो वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का सावन भादो छिड़ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चटकती चांदनी की मटकती मडोना मेरा मतलब है टूटे पुल पर भटकता मैराडोना मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है समझे देखिए मेरा नाम है चप्पू चतुर्वेदी और यहाँ मैं अपने उस दोस्त को लेके आया हूँ जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है मैडम के बुरा हो रहा है सारे दोस्त के संग ए हांफते हुए दोस्त थकेले बोल ले अपना नाम बोल ले मेरा नाम है गप्पू गोस्वामी चिंता की चारपाई में वेल ब्रो तुम्हें किस बात की चिंता है टोल्ड मी व्हाट इज द डूज अजय ओ What is the do's? मुंह में ये कपड़ा ठूस चल अपने आप कर जल्दी जल्दी टाइम ना इतना ना मैडम मुद्दा अभी इस वक्त ये है कि गप्पू की नौकरी लग गई है विदेश में नौकरी लगी और वो भी विदेश में क्या बात है यार क्या बात है और तुम लोग यहाँ पर खाली हाथ आ गए मतलब यार कलाकंद तो बनता है ना यार या कम से कम मतलब मिनिमम से मिनिमम कम से कम गाजर का हलवा तो लाते यार व्हाट इज दिस ये तुम्हारे पास 500 रुपए दो 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 ये मैं खुद खरीद लूंगा नो प्रॉब्लम यार थैंक यू हाँ स्पोक्स पर्सन तुम बोल रहे थे बोलो बोलो देखिए मैडम दरअसल मुद्दा यह है कि गप्पू की नौकरी लग गई है विदेश में अब इसे विदेश जाना है विदेश जाने के लिए इसने पासपोर्ट बनवाया लेकिन पासपोर्ट बन के नहीं मिल रहा है बहुत हो गया अरे क्यों मिल ना रहा है पासपोर्ट अरे यार दरअसल बात यह है कि गप्पू ने पासपोर्ट के लिए जो फोटो खिंचवाई है आशा स्टूडियो से वो आशा स्टूडियो वाला फोटो नहीं दे रहा है हम लोग चक्कर खा के पागल हो गए बहुत हो गया 3 दिन बाद इसकी फ्लाइट है इसे जाना है विदेश हाँ मैडम देखिए ना मैडम उस आशा स्टूडियो में जाके हम 5 बार फोटो खिंचवा चुके हैं मैडम 5 बार लेकिन अभी तक हमारी फोटो नहीं दी है चिंता की चारपाई में मैडम अरे कौन है ये आशा स्टूडियो का आदमी प्रेम में है के इसके बिल्कुल ही फोटो लेके सीने से लगाया बैठा है बुलवाओ आशा स्टूडियो वाले ने ये हेलो दादाजी स्माइल प्लीज हेलो जी आपने बुलाया अरे बुलवाया तो बहुतों को है तू कौन है मैडम मैं हूं आशा स्टूडियो का मालिक आशा अब क्या हो सकता है ओ तो बहुत कुछ सके भाई रैप्टे पढ़ सके
गोलियां चल सके हैं, डंडे लात घूसे बरस सके हैं। FIR लिखाई गई है थाने में थारे खिलाफ। अच्छा अब लिखवा दी है तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि तुम्हें 1 साल की जेल हो सकती है या 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अरे पर मैडम मेरा कसूर क्या है? अबे चले चल। ओए खोते रे पुत्र, तू उसकी फोटो क्यों नहीं दे रहा खींच के? वही ऐसा है ना, अकॉर्डिंग टू देम 5 बार जा चुका है आदमी थारे स्टूडियो में फोटो खिंचवा चुका, और 1 बार भी तेने इसे फोटो देना है। अबे इसकी नौकरी लगी है विदेश में, उड़ेगा इसका जहाज एक आध दिन में, तू करके रहा है पासपोर्ट के लिए छपवानी है फोटो। मैडम इनकी बात बिल्कुल सही है, ये हमारे पास 5 बार आए, हमने इनकी 5 बार फोटो खींची, लेकिन मैडम फोटो सही नहीं आ रही है, तो अब हम क्या करें, अब क्या हो सकता है? ये क्या बात हुई, 5 बार फोटो खिंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैडम, दरअसल हुआ ये कि 2 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे हम इनके आशा स्टूडियो गए मैडम, और जाके हमने अपनी फोटो खिंचवाई मैडम। इन्होंने कहा कि 4 तारीख को शाम को 4 बजे आके फोटो ले जाना मैडम। हम 4 तारीख को शाम को 4 बजे गए मैडम। जब ये वहां पहुंचा तो तुमने इसे फोटो क्यों नहीं दी? देखिए हुआ क्या कि जब मैं इनकी फोटो खींच रहा था तो फोटो खिंचवाते वक्त ये हिल गए, फोटो खराब हो गई, अब क्या हो सकता है? इसकी एक लास्ट टाइम फोटो तू खींच है, और इसको बढ़िया सी फोटो परफेक्ट वाली बना के दे, वरना चोटी काट के हाथ में दे दूंगी फूल। जी स्टूडियो चले। चलिए मैं हिलना मत, मैं अच्छी खींचूंगा। ओके तेरा बहुत हो गया आशा। आपकी भी खींचूंगा दादाजी। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। पासपोर्ट ऑफिस जा, पिछले 3 महीने में जितनी पासपोर्ट के लिए अर्जियां आई है ना पूरे शहर की, लिस्ट लेकर आ। और गुलगुले जरा फोन लगा के वहां पासपोर्ट ऑफिस के मेन आदमी को जरा बुलाओ, रिक्वेस्ट कर। सर क्या कर रहे हैं सर? अरे हम सर, डांस कर रहे हैं। और क्या डांस? क्या कर रहा है मैं? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आया था, बाहर हीट है ना बोर। प्यास लगी थी? हमने अपने ऑफिस में पानी की टांकी खोल रखी है क्या? हैं? चल बाहर जा, गंदा गंदा डांस करता है हमारे साथ। अबे पानी रख, हमारा पानी रख, और जा यहां से। यार पानी पीने अंदर किसको भेजा? अरे मिस चौटाला, आप जानते नहीं हमारे साथ क्या होते होते रह गए आप। खैर खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आपका कैसा आना हुआ? सर आपके पास पासपोर्ट है? हमारे पास 1 या 10-10 पासपोर्ट है, मतलब है हमारे पास पासपोर्ट है। सर ऐसा है ना, वो कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि इटली में एक पुलिस की कॉन्फ्रेंस हो रही है बहुत बढ़िया वाली है, तो सर हो सकता है हम दोनों को जाना पड़े सर इटली। हमें आपके साथ जाना होगा? अरे हम जरूर चलेंगे आपके साथ इटली। उसमें क्या है? What is there? सर इटली इज लैंड ऑफ पास्ता एंड पिज़्ज़ा। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। सर व्हाई हाय।
हम आपके साथ इटली नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। सर अभी अभी आपने कही है आपके पास पासपोर्ट है। हाँ पासपोर्ट तो है, लेकिन जब तक हम कातिल सिंह को पकड़ ना लेना हम कहीं नहीं जा सकते। कातिल सिंह का फोन आ रहा है। हेलो कातिल सिंह, हाउ डेयर यू कॉल मी? कातिल सिंह हमारे आपको पकड़ने के लिए, हाउ डेयर यू कॉल मी? मम्मी जी फिर से मम्मी जी, हेयर इज द रिपोर्ट इज द मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? मैं हूं पासपोर्ट अधिकारी, चाय उबाल के। ओह चाय उबाल के, ऐसा ना हो कि आपकी चाय उबलने से पहले मैडम उबल जाए। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मैं बेनाम हूं। ब्रो लगता है आपके माँ बाप आपका नाम रखना भूल गए। जी नहीं, रखा है। अभी मैंने बताया ना, मैं बेनाम हूँ चाय उबाल के। देखिए बेनाम जी, ऐसा है, एक छोटा सा केस है हमारा, एक इंक्वायरी आई है, एक आदमी का पासपोर्ट बन ना रहा है, हैं? उसको विदेश जाना है, उसकी नौकरी लगी है, तो फोटो ना खिंच रही उसकी, जिसकी वजह से पासपोर्ट नहीं बन रहा। तो मैडम आप क्या चाहती हैं, कि मैं उसकी फोटो उतारूं, कि मैं उसका फार्म भरूं चाय उबाल के? नहीं नहीं नहीं, फॉर्म आपको नहीं भरना है, फॉर्म भरा है उसने, ऐसा नहीं है। भी मम्मी जी चाहती हैं उसका पासपोर्ट फटाफट बन जाना चाहिए, स्यापा खत्म करो। आप ये बताइए, एक दिन में एक आदमी का पासपोर्ट बन सके कि ना? अरे मैडम बिल्कुल बन सकता है, बस सिर्फ देरी आप लोगों के डिपार्टमेंट से होती है ओ वेरिफिकेशन करने में चाय उबाल के। अच्छा आप ये बताइए कि आपके पास कोई पासपोर्ट की जो है रिक्वेस्ट आई है टिमरकन टोला एरिया से? टिमरकन टोला? हाँ एक फार्म तो आया है, उसका नाम गप्पू। अरे यार गप्पू नहीं, चप्पू। हाँ चप्पू। हाँ आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अरे मैडम उसका पासपोर्ट रेडी है और उसमें फोटो तो सब चिपकी हुई है, वो कल ही तो लेके गया है, और उसने अपने पासपोर्ट और का वेरिफिकेशन जो है वो क्या नाम है, हाँ टेढ़ी पुलिया के थाने से करवाया है। अब आप लोगों को तो पता है नहीं, इसीलिए चाय उबाल के। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए, कष्ट किया आपने, आप प्लीज जाइए, थैंक यू। ठीक है मैडम, अगर कभी जरूरत हो तो आप बुला सकती हैं। जी जी हाँ, चाय उबाल के। गुलगुले, इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में जितने लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है उसमें गप्पू का नाम नहीं है, चप्पू का नाम। ओहो, मतलब ये चप्पू अपने दोस्त को और हमें इतने टाइम से पप्पू बना रहा है मैडम। मम्मी जी हुण की करना है? हुण यो कि उस चप्पू को रोकना है। आओ आगे, आज क्या पूछने आए हो? अंकल आपको तमिल आती है? ना। तेलुगु? ना। फ्रेंच? ना। मुझे तो सिर्फ पंजाबी आती है भाई, और थोड़ी बहुत हिंदी त्रोड़ मरोड़ के बोल लेता हूँ, और आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या अंकल आपको इतना भी नहीं आता है? यार तू तो ऐसे बातें कर रहा जैसे तेरे को सारी भाषाएं आती हैं। आती है ना, मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ। हैं? चल ठीक है, तू मुझे फ्रेंच बोल के दिखा। फ्रेंच 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 फ्रेंच
मैडम आप, हाँ भाई आप रोड जा रहे हो हैं, वो भी बिना मिले, नॉट फेयर यार। ओह सॉरी सॉरी, कैसे हैं आप? अरे अंकल आप तो एकदम फ्रेश दिख रहे हैं और आप भी एकदम बढ़िया। तो बहुत हो गया, अभी मैं चलता हूँ मेरे फ्लाइट। अरे फ्लाइट कौन सी, थारी किस्मत का जहाज तो कब का उड़ गया। और वैसे भी अबे बगैर पासपोर्ट के कैसे जा रहा है तू विदेश? पासपोर्ट है ना मेरे पास, ये देखिए। बहुत हो गया अब जाने। नहीं नहीं नहीं, अरे रुको यार, पासपोर्ट तो है तुम्हारे पास, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा ये पासपोर्ट हमने कैंसिल करवा दिया है, क्योंकि तुम कानून के मुजरिम हो। क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? बहुत हो गया आप। वेल ब्रो, इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठ के डिसाइड करेंगे तुम पे कौन सा केस बनाना है, कौन सी दफा लगानी है। क्या पुलिस बच्चा है, है? जो तू बरगला देगा और हम जो है बहल जाएंगे। अरे पत्ते खुल चुके हैं बेटा, वो देख नजर घुमा के आओ भाई, मिलने अपने दोस्त से मिस्टर आशा स्टूडियो, हैं? जिसको तेरे पैसे खिलाए थे ताकि गप्पू की फोटो में बिल्कुल दे ना पाए वो उसे। इसके स्टूडियो में खूब रेड मारी हमने एकदम तफसील में और खूब फोटो में बरामद हुई है थारे दोस्त गप्पू की। तेरी वजह से मैडम ने मेरी चोटी काट दी और जब से चोटी कटी है एक भी आदमी फोटो खिंचवाने नहीं आ रहा मेरे स्टूडियो में। चप्पू चप्पू मेरे दोस्त चप्पू, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा चप्पू, क्यों किया? अरे तू एक बार मुझे कहता ना, मैं खुद तेरी नौकरी का फॉर्म भरता, खुद मैं भरता, हाँ चिंता की चारपाई में, लेकिन तूने क्यों? मैडम आप इसे माफ कर दीजिए, ये जैसा भी है ये मेरा दोस्त है मैडम, प्लीज मैडम। देख ले तो तू है और एक है थारा दोस्त जो अभी भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। इफ जरा सी अगर शर्म बाकी हो ना तो माफी मांग, इससे बैड मैन बना घूम रहा है कतई। गप्पू ये माफ कर दे, मैं नहीं करूंगा ऐसा गप्पू, तू चला जा, तू ये फ्लाइट मेरी टिकट नहीं, मेरी नहीं चलेगी, मैं तू चला जा, तू फ्लाइट ले ले, तू चला जा गप्पू, चला जा, तू चला जा। हाँ चप्पू, लेकिन मेरे दोस्त अभी बहुत देर हो गई, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, लेकिन मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी ब्रो, जब मम्मी जी हैं तो क्या गम है। तुम्हारा पासपोर्ट बन चुका है, वो भी एक दिन में मैडम की वजह से, ये लो। दिन में बन जाते सच में? जा खुशी खुशी अपनी नौकरी संभाल इब जाके विदेश। थैंक यू मैडम, थैंक यू, अब मैं जाता हूँ, मैं सामान तो लाया नहीं। चप्पू तेरा ही सामान ले जाता हूँ। मैडम अब मैं विदेश में जाकर हो जाऊंगा आबाद, मेरे साथ आप लोग सब लोग बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।